तो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हीरोइक पुश करने के टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। तो आप भी अगर हीरोइक जाना चाहते हैं, वो भी 2 से 3 घंटे में डायमंड 4 से हीरोइक, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। प्लीज़ स्किप ना करें और पूरा एंड तक देखें अगर आपको हीरोइक सच में जाने का मन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 1 की ओर। तो टिप नंबर 1 में ऐसा है कि आपको जैसे ही आप पानी पर लैंड करते हो, आप में से बहुत सारे जन क्या करते होगे कि लूट करने के लालच में ज़मीन के पास चल जाते होगे और ताकि आपको गन मिल जाए। और आप देखते होगे कि वहाँ तो एक और रैंक पुशर है और फिर वो आपको मार देता होगा, या तो फिर आप ही कभी कभी उसको मार देते होगे, लेकिन रैंक तो माइनस होने का खतरा है ही। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले पानी की ओर जाना है, जिससे कि आपका रैंक वैंक माइनस ना हो, आपको पूरा पानी में लास्ट तक जाना है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास के कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि के कैरेक्टर बेस्ट कैरेक्टर है रैंक पुश करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 3 की ओर। तो टिप नंबर 3 में आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान जरूर रखना है, जब तक 19 अलाइव ना हो जाए, हाँ दोस्तों 20 अलाइव भी नहीं, 19 अलाइव, जब तक 19 अलाइव ना हो जाए उसके पहले आपको पानी से नहीं निकलना है, भले ही कितना भी बड़ा जोन आ जाए। आज तो बंदे जल्दी जल्दी मर गए सब, इसीलिए तो आपको 19 लाइव के पहले निकलना ही नहीं है। और फिर आपको बार बार देखते रहना है कि इधर उधर बंदे तो नहीं है, और फिर एकदम साइलेंटली जाके आपको लूट कर लेना है अच्छे से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस गेम में। आई होप गाइस कि आप ये सारे टिप्स को फॉलो करेंगे और समझेंगे भी। टिप नंबर 4 है कि आपको ऐसे ऐसे जगह पर जाके लूट करना है जहाँ पर बहुत साइलेंट हो और जहाँ बंदे ज़्यादा से ज़्यादा कम ही आते हो, या तो एक दो बंदे आते हो। जैसे कि मैं अभी ऐसे सुनसान एरिया पे जाके लूट कर रहा हूँ, आपको भी इसी टाइप से लूट करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की ओर। ना है कि आपको जैसे भी कोई एनिमी दिखे ना, आपको उसके ऊपर पूरा का पूरा एम लगा लेना है और उसको मार देना है, तुरंत उसको मार देना है। और ऐसा नहीं कि आपको दिखे तो आप मारने लगो, पहले आपको एम फिक्स हो जाना चाहिए, फिर आपको मारना शुरू करना है, जैसा कि अभी मैंने किया। दोस्तों टिप नंबर 5 में आपके पास इनहेलर और बॉनफायर और मेडिकेट, ये सब जितने आपको मिले सबके सब आपको ले लेने, और लोड आउट्स में आपको बॉनफायर ज़रूर रखना है। आपको बॉनफायर का भी क्या यूज़ है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों इस बार आपको क्या करना है कि आपको एक टावर ढूंढ लेना है और एक लैंडमाइन भी ढूंढ लेना है, और उस लैंडमाइन को ऐसे टावर के ऊपर स्कोप कर लेना है पहले, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ, ऐसे स्कोप खोल लेना और फिर लैंडमाइन को हाथ में रख लेना और लैंडमाइन को टावर के ऊपर लगा देना, जिससे कि बंदा आएगा और वो यहाँ पर आपको मार नहीं पाएगा और खुद ही ऐसे दौड़ने के चक्कर में मर जाएगा। तो ये बेस्ट ट्रिक है लैंडमाइन की, आपको भी ऐसे ही करना है, मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया है। दोस्तों इस वाले टिप में आपको क्या करना है, जैसे कि ऐसे मुझे अभी लोकेशन आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट जाके मारना नहीं है, आपको सबसे पहले कवर लेना है और बहुत देर तक वेट करना है कि वो बंदा आपको कब दिखे, और आपको एक अच्छा सा चांस पाते ही उसको मार देना है। दोस्तों आपको है ना इस तरह से पीछे पीछे से जाना है एकदम साइलेंटली, और उसके ऊपर फायरिंग करने का शुरू कर देना है। अभी मैं इसको मारूंगा, ओ भाई मर जा, अरे भाई इसने तो किल चोरी कर लिया, अब इस बंदे को मैं ख़त्म कर दूंगा अभी। मैंने इस एनिमी को यहाँ पर अभी बड़ी ही आसानी से ख़त्म कर दिया है, और अब मुझे भी जोन के लिए जाना चाहिए, 1v1 हो रहा है वैसे भी। तो देखिए दोस्तों, बॉनफायर आपका बड़े ही काम की चीज़ है, अभी आपकी बहुत यूज आ रही है ये। तो दोस्तों इस गेम के अंदर बुइया तो नहीं हो पाया, मैं जोन के अंदर ही एलिमिनेट हो गया, लेकिन इससे मेरा रैंक जो है वो बहुत बढ़ा, लगभग बुइया के ही लगभग बढ़ा। और वैसे भी कैंप करके बुइया करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, अगर आप फुल रश गेम प्ले करोगे तो, और वो भी आप स्क्वाड में रहोगे तो आपको बुइया निकालना थोड़ा सा आसान पड़ता है। दोस्तों हम बहुत ही करीब है 1k सब्सक्राइबर्स के, तो कृपया आप जल्दी हमारे 1k सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करवा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए जिसे हीरोइक जाना अच्छा लगता हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।